सुप्रभात बच्चों, आज की इस कक्षा में हम हिंदी का नया स्वर सीखेंगे और वो स्वर है ई। हिंदी का स्वर ई। ई से इत्र, ई से इत्र, ई से इमारत, ई से इमारत, ई से इमरती, ई से इमरती, ई से इलायची, ई से इलायची, ई से इमली, ई से इमली। तो बच्चों, आपने देखा ई से शुरू होने वाले शब्द के नाम। चलिए एक बार फिर से दोबारा इन शब्दों को पढ़ते हैं। इत्र, इत्र, इमरती, इमरती, इमारत, इमारत, इलायची, इलायची, इमली, इमली। चलिए अब हम स्वर ई से एक गाना सुनते हैं। ई से होती है इमली, आओ खाए ई से इमरती। ई से इत्र है खुशबू वाला, ई से इलायची का दाना काला काला। एक बार फिर से सुनेंगे? चलिए फिर से सुनते हैं। ई से होती है इमली, आओ खाए मीठी इमरती। ई से इत्र है खुशबू वाला, ई से इलायची का दाना काला काला। बच्चों, आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों कहा कि इलायची का दाना काला होता है? क्योंकि ये जो इलायची है, अगर हम इसको खोलकर देखें तो इसके अंदर छोटे छोटे से दाने होते हैं और देखिए ये काले रंग के दाने। तो बढ़िया रहा ना गाना। चलिए अब हम देखते हैं कि ई की बनावट कैसी होती है। बच्चों, अब हम देखेंगे स्वर ई की बनावट कैसी होती है। पहले एक सीधी रेखा, फिर एक आधा गोला, फिर दूसरी तरफ एक और आधा गोला और अंत में उसे घुमाकर नीचे की तरफ एक रेखा और ऊपर एक सोती हुई रेखा। ये हो गया स्वर ई। एक सीधी रेखा, फिर एक आधा गोला, फिर दूसरी तरफ एक आधा गोला और फिर अंत में घुमाकर नीचे की तरफ एक रेखा, फिर ऊपर एक सोती हुई रेखा। तो बच्चों, आज हमने सीखा स्वर ई, उससे शुरू होने वाले शब्द और उसकी बनावट। अब अगली कक्षा में हम सीखेंगे पांच रेखा वाली किताब में कैसे लिखा जाता है। तो मिलेंगे अगली कक्षा में।